एनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रात के साथ परेशानी भी लाई बारिश। बारिश की वजह से जहां एक और बुधवार को मौसम खराब रहा तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह जल भराव की वजह से लोगों को समस्या का सामना भी करना पड़ा। कई जगह सड़क धंसने या मकान क्षतिग्रस्त होने से लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ी। अलीगढ़ के बनारसी टोला में बुधवार सुबह करीब 5 बजे जर्जर मकान के एक कमरे में ही छत ढह गई। मलबे में दबकर एक बुजुर्ग और एक किशोर घायल हो गया। लोगों ने दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बारिश शुरू होते ही जर्जर मकान गिरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस बारिश का पहला मामला है। पिछले साल बारिश के दौरान जर्जर मकान को ढहने से आधा दर्जन लोगों की जान गई थी। बुधवार को अलीगंज के बनारसी टोले में जो जर्जर मकान ढहा वह मोहम्मद नबी का है। नबी के दामाद मोहम्मद जहीर ने बताया कि उनके ससुर नबी साली का बेटा रिजू घर के बीच वाले कमरे में सो रहे थे। बुधवार सुबह 5 बजे अचानक कमरे की छत ढह गई। छत गिरने की आवाज सुनकर वह दौड़े। इस बीच पड़ोसी भी आ गए। सबने मिलकर मलबे से नबी और रिजू को निकाला। दोनों को महानगर सिविल अस्पताल में ले गए। नबी का सिर फट गया है। हाथ पैर के अलावा पीठ में भी चोटें आई है। रिजू को अंदरूनी चोट आई है। पार्षद मोहम्मद सलीम मौके पर पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। सलीम ने बताया मकान बहुत पुराना है। मालूम हो कि अमर उजाला ने बारिश से ठीक पहले पिछले साल हुए हादसे को लेकर अफसरों को चेताया था। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।